بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات اور معزز خواتین اور ہماری وہ بچیاں جو حدیث شریف کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھ رہی ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان حضرات محدثین میں ہیں کہ جن کے بارے میں پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ تصنیف جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، جسے ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں ساری امت متفق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی اصح ترین کتاب ہے تو وہ یہ ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ ایک بات پر متفق ہے، تمام علماء، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور ساری دنیا والوں نے اور سارے علماء نے اور سارے محدثین نے جو ایک بات پر اتفاق کیا ہے، یہ ویسی ہی نہیں کیا، بلکہ علماء و محدثین نے بخاری شریف کی ایک ایک حدیث کی چھان بین کی ہے، علماء و محدثین نے بخاری شریف کی ایک ایک حدیث کی چھان بین کی ہے اور جرح و تنقید کی چھلنیوں میں اس کو بار بار چھانا ہے، جرح و تنقید کی چھلنیوں میں بار بار چھاننے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 600,000 حدیثوں میں سے چند حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، بخاری شریف میں، میں اپنی بچیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں جو کتاب شروع کر رہی ہیں، ان بچیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری بخاری میں 9,082 حدیثیں ہیں کل، پوری بخاری شریف میں
9,082 हदीसें हैं और 9,082 हदीसों का इंतखाब 6,00,000 हदीसों में से 9,082 का इंतखाब किया है, 6,00,000 हदीसों में। बल्कि हजरत मुफ्ती तकी साहब ने तो ये लिखा है कि 7,00,000 हदीसों में से 9,082 हदीसों का इमाम बुखारी ने इंतखाब किया है। मैं अपनी बच्चियों को मुखातब करके कहता हूँ, जो हदीस की किताब बुखारी शरीफ शुरू कर रही हैं, यहाँ एक इश्काल होता है, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पूरा ज़खीरे हदीस मिलाने के बाद भी 6,00,000 हदीसें नहीं बनती, पूरा ज़खीरे हदीस मिलाने के बाद भी 6,00,000 और 7,00,000 हदीसें नहीं बनती। तो फिर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे 6,00,000 हदीसों में से 9,082 हदीसों का इंतखाब किया? पूरा ज़खीरा हदीस अगर मिलाया जाए तो पूरा ज़खीरा हदीस मिलाने के बाद भी 6 या 7,00,000 हदीसें नहीं बनती हैं। तो फिर इमाम बुखारी के मुतालिक जो मशहूर है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6,00,000 हदीसों में से 9,082 हदीसों का इंतखाब किया है, ये बात कैसे दुरुस्त होगी? मेरी बच्चियां ये बात याद रखें कि सनद के बदलने से हदीस का नंबर बदल जाता है। ये बच्चियों को मैं समझा रहा हूं कि एक बात जहन में रखें, मुहद्दिसीन के यहां हदीस की सनद बयान, हदीस की सनद बदलने से हदीस का नंबर बदल जाता है। मसलन बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस की सनद शुरू होती है हद्दसनल हुमैदीयो قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري رضي الله الى اخره، یہ سند ہے۔ حدثنا الحميدي سے لے کر کے حضرت القمۃ بن وقاص الليثي تک سند ہے، بلکہ حضرت عمر تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک سند ہے۔ फिर उसके बाद इन्नमल आमालु बिन्नियात यह हदीस शुरू हुई। बुखारी की हर हदीस के शुरू में पहले सनद आएगी और फिर उसके बाद मतन हदीस आएगा। तो यह पहली हदीस जो बच्चियों ने पढ़ी, इसका एक मतन हदीस है और एक सनद हदीस है। मतन हदीस शुरू होता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहां से मतन हदीस शुरू होता है, और सनद हदीस शुरू होती है हद्दसनल हुमैदीयो, यहां से सनद शुरू होती है। और ये जो बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियाती, इस हदीस की 500 सनदे हैं, इस हदीस की 500 सनदे हैं। और यहां किताब में इमाम बुखारी ने फकत एक सनद लिखी है हद्दसनल हुमैदी युकाल हद्दसना सुफियानो, एक सनद लिखी है, बाकी इस हदीस की 500 और समझे सनदे हैं। अब सुने मेरी बच्चियां, ये जो हदीस आपने पढ़ी इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये एक हदीस नहीं है, ये 500 हदीसें हो गई। ये एक हदीस नहीं है बल्कि ये 500 हदीसें हो गई। क्यों? इसलिए कि इसकी सनदें 500 हैं और मुहद्दिसीन के यहां सनद के बदलने से हदीस का नंबर बदल जाता है। अगर किसी हदीस की दो सनदें हैं
तो वो दो हदीसें कहलाएंगी, एक हदीस नहीं कहलाएगी। और अगर किसी की 100 हदीसें हैं किसी हदीस की, तो वो अरे समझे जो है 100 हदीसें शुमार होंगी, एक हदीस शुमार नहीं होगी। मसलन यही हदीस जो बुखारी की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन का यह फैसला है कि इस हदीस की 500 सनदें हैं, और जब सनदें 500 हैं तो हदीसें भी 500 हो गई। यूं इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस है, वरना तो पूरा ज़खीरा हदीस मिलाने के बाद भी 6 लाख नहीं बनता है। पूरा ज़खीरा हदीस मिलाने के बाद भी 6 लाख हदीसें नहीं बनती हैं। लेकिन मुहद्दिसीन के यहाँ उसूल ये है कि सनद के बदलने से हदीस का नंबर बदल जाता है। बहरहाल हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 लाख हदीसों में से 9,082 हदीसों का, 6 लाख में से 9,000 कुछ भी नहीं, 6 लाख हदीसों में से 9,082 हदीसों का इमाम बुखारी ने इंतखाब किया है। और ये इंतखाब भी कैसे किया है, मेरी बच्चियां जो किताब शुरू कर रही हैं वो गौर से सुने। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में किसी भी हदीस को लिखने से पहले कितना एहतियात किया है, और कितना एहतियात करने के बाद फिर बुखारी की हदीसों को लिखा है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत शरीफा थी कि बुखारी में हदीस को लिखने से पहले हर हदीस को फनी एतबार से जांचते थे और परखते थे। बुखारी शरीफ में हदीस को लिखने से पहले फनी एतबार से हदीसों को जांचते थे और हदीसों को परखते थे। आप में से हर आदमी नहीं जानता, लेकिन ये बच्चियां जिन्होंने पढ़ा है ये बच्चियां जानती हैं। मेरी माएँ और बहनें ये बात नहीं जानती, लेकिन ये बच्चियां जिन्होंने पढ़ा है ये बच्चियां जानती हैं कि एक फ़न है जिस फ़न का नाम है फ़न असमाए रिजाल। एक फ़न है जिस फ़न का नाम है फ़न असमाए रिजाल। फन्ने अस्माए रिजाल में क्या होता है? फन्ने अस्माए रिजाल में रावियों को परखा जाता है। फन्ने अस्माए रिजाल में रावियों को परखा जाता है, और रावियों की पूरी सवानहे उम्री जहन में रखी जाती है, पूरी सवानहे उम्री। फन्ने अस्माए रिजाल में यही होता है कि हर रावी की पूरी सवानहे उम्री लिखी जाती है। यह रावी कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस सन में पैदा हुआ, किन असातिजा से पढ़ा, कहाँ कहाँ सफ़र करके ये रावी गया इल्म हासिल करने के लिए और हदीसें हासिल करने के लिए, इसकी ज़िंदगी कैसी थी, ये पूरी मालूमात, पूरी डिटेल फ़न्ने अस्माए रिजाल में मौजूद है। पूरी डिटेल फ़न्ने अस्माए रिजाल में अरा समझे मौजूद है। एक एक रावी का हाल अरा समझे जो है फ़न्ने अस्माए रिजाल में अरा समझे मौजूद है। तारीख में लिखा है कि जब हदीस में किसी रावी का नाम आता तो मुहद्दिसीन पहले उस रावी का पता चलाते कि यह रावी कहाँ का रहने वाला है। जब मालूम हो जाता कि फला गांव का रहने वाला है,
और फला बस्ती का रहने वाला है, तो मुहद्दिसीन सफर करके उस गांव में जाते थे और गांव के हर हर फर्द से मालूम करते थे कि फला साहब आपके गांव के रहने वाले हैं। गांव वाले कहते हाँ हमारे गांव के रहने वाले हैं। तो पूछते कि कैसे आदमी थे, ये पूछते कैसे आदमी थे, उनके हालात क्या थे, तक्वा व तहारत के मुतालिक पूछते कि कभी किसी को धोखा तो नहीं देते थे, ये पूछते गांव वालों से कि कभी किसी को धोखा तो नहीं देते थे, कभी किसी के साथ फरेब तो नहीं करते थे, कभी किसी के साथ अरब समझे जो है पूरी डिटेल मालूम करते थे और पूरे हालात अरब समझे मालूम करते थे। गांव वाले कहते कि तुम इतनी तहकीक क्यों कर रहे हो उन साहब के बारे में, क्या तुम्हें कोई रिश्ता करना है उनकी लड़की से? ये गांव वाले पूछते कि तुम क्यों इतनी अरब समझे तहकीक कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई अरब समझे रिश्ता करना है अरब समझे? तो मुहद्दिसीन जवाब देते कि नहीं हमें कोई रिश्ता नहीं करना है, हम इतनी तहकीक इसलिए कर रहे हैं कि एक हदीस में इनका नाम आया है, सनद में इनका नाम आया है, एक हदीस की सनद में इनका नाम आया है, इसलिए हम इनके पूरे हालात कलम बंद करेंगे और इनके पूरे हालात हम किताब में लिखेंगे कि ये रावी फला गांव के रहने वाले हैं, फला सन में पैदा हुए हैं, फला सन में इनकी वफात हुई है, फला फला असातिजा से उन्होंने पढ़ा है और उनकी पूरी सवाने है उम्री हमें चाहिए, पूरी सवाने है उम्री जो है हमें चाहिए, इसलिए हम ये तहकीक अर समझे जो है कर रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि बुखारी में और अपनी इस किताब में किसी हदीस को लिखने से पहले खूब हदीस को जांचते थे और अरे समझे परखते थे कि फन्नी एतबार से हदीस में और सनद में कोई खराबी तो नहीं। एक बात मेरी बच्चियां याद रखें, हम जो बोलते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, हम बोलते हैं कि यह हदीस सही है और यह हदीस ज़ईफ़ है, एक बात सुन ले बच्चियां, हदीस तो नाम है कौल रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कैसे ज़ईफ़ हो सकती है? हदीस तो नाम है कौल रसूल का, हदीस तो नाम है फ़ैल रसूल का, कौल रसूल यानि नबी पाक सल्लम की बात, हदीस नाम है कौल रसूल का, नबी पाक सल्लम की बात ज़ईफ़ कैसे हो सकती है? हदीस नाम है फ़ैल रसूल का, नबी पाक सल्लम का अमल और नबी पाक सल्लम का फ़ैल ज़ईफ़ कैसे हो सकता है? सुन लें हमारी बच्चियां, हदीस को जो ज़ईफ़ कहा जाता है मतन के एतबार से नहीं बल्कि सनद के एतबार से, और ये सनद यहां से आपने पढ़ी हद्दसनल हुमैदीयो से लेकर के हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तक हदीस की सनद है, हदीस की सनद है। सनद में जो रावी होते हैं बाज मरतबा फरिश्ता सिफत होते हैं, सनद में जो रावी होते हैं बाज मरतबा फरिश्ता सिफत होते हैं और बाज मरतबा कोई रावी शैतान सिफत भी आ जाता है, सनद में कोई रावी अरब समझे जो है शैतान सिफत भी आ जाता है, गड़बड़ रावी आ जाता है। तो जिस हदीस की सनद में कोई अरब समझे रावी गड़बड़ आ गया कह देंगे हदीस ज़ईफ। तो हदीस को जो ज़ईफ कहा सनद के ज़ईफ होने की वजह से हदीस ज़ईफ बनती है, वरना फी नफ्सी ही हदीस ज़ईफ नहीं होती। हदीस तो नाम है कौल रसूल का, नबी पाक सल्लम का कौल और नबी पाक सल्लम की बात कभी ज़ईफ नहीं होती है।
लेकिन हदीसों को हम जो ज़ईफ़ कहते हैं वो सनद के एतबार से कहते हैं। सनद में हर रावी फरिश्ता सिफत नहीं होता है, और अगर हर रावी फरिश्ता सिफत हो और अच्छा हो तो कहेंगे इस हदीस की सनद अच्छी है, और जब सनद अच्छी है तो हदीस अरसमझे सही है। हदीस सही बनेगी सनद के सही होने से, और हदीस ज़ईफ बनेगी सनद के ज़ईफ होने से, वरना फी नफ्सी ही हदीस को ज़ईफ नहीं कहा जा सकता है। हदीस को जो ज़ईफ कहा जाता है वो सनद को मद्देनज़र रख कर के। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले सनद को परखते थे, क्यों? हर एक बात सुने बच्चियां, मुहद्दिसीन के यहां तीन इस्तिलाहात हैं, मुहद्दिसीन के यहां तीन इस्तिलाहात हैं। इन बच्चियों ने वो तीन इस्तिलाहात सुनी होगी, और अगर न सुनी हो तो मैं बतलाता हूं, सुन लो। तीन इस्तिलाहात हैं मुहद्दिसीन के यहां। पहली इस्तिलाह है हाफिज, पहली इस्तिलाह है हाफिज। दूसरी इस्तिलाह है हुज्जा, और तीसरी इस्तिलाह है हाकिम। ये तीन इस्तिलाहें हैं मुहद्दिसीन के यहां। पहली इस्तिलाह है हाफिज, दूसरी इस्तिलाह है हुज्जा, और तीसरी इस्तिलाह है हाकिम। हाफिजुल हदीस किसको कहा जाएगा? हाफिज कुरान नहीं, हाफिजुल हदीस। हाफिजुल हदीस उस मुहद्दिस को कहा जाता है जिस मुहद्दिस को 1,00,000 सनदें नहीं, 1,00,000 हदीसें अजबर हों। जिसको 1,00,000 हदीसें अजबर हों और जिसको 1,00,000 हदीसें याद हों। और कैसे याद हों? बच्चियां सुने, सनदन मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन। ये चार लफ्ज बोले मैंने, मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन। मतनन को मैं समझाता हूं, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरी मानवा फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैह। ये है मतने हदीस, ये कहलाता है मतने हदीस। और हद्दसनल हुमैदीयो से लेकर के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहु तक जितने रावियों का तस्करा आया है ये कहलाता है सनद हदीस। तो मतने हदीस भी जबानी याद हो और सनद हदीस, सनद को याद करना कोई खेल नहीं है। सनद को याद करना मतलब सब मतने हदीस को याद करना तो और समझे आसान है। ये बच्चियां जो है 10 मरतबा अगर मतने हदीस पढ़ लेंगी तो मतने हदीस याद हो जाएगा, इन्नमा लामालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरी मनावा इला आखिरिल हदीस, 10 मरतबा अगर पढ़ लेंगी तो मतने हदीस। लेकिन सनद हदीस याद करके और समझे दिखाएं, अरे सनद हदीस याद करके जबानी याद करके दिखाएं, ये अरस समझे कोई खेल नहीं है सनद हदीस। और सनद में जितने रावी आए हैं, सबसे पहले रावी आए हैं हजरत हुमैदी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हजरत हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम हुमैदी की पूरी सवाने है उमरी अजबर होनी चाहिए। इमाम हुमैदी कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, किन से इल्म हासिल किया, किन से पढ़ा, किन अरसम जे किस सन में वफात हुई, पूरी डिटेल पूरी जिंदगी की सवाने है उमरी अरसम जे जो है। और फिर उसके बाद दूसरे अरसम जे रावी आए हैं हजरत सुफियान थौरी,
हजरत सुफियान सौरी की पूरी सवाने है उमरी और समझे अजबर होनी चाहिए। और फिर तीसरे रावी आए हैं यहया इब्ने सईद अल अंसारी, उनकी पूरी डिटेल पूरी सवाने है। और फिर उसके बाद रावी आए हैं मोहम्मद इब्ने इब्राहिम तैमी, उनकी पूरी सवाने। और फिर उसके बाद आए हैं हजरत अलकमत इब्न वक्कास अल-लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अलकमा ताबिई हैं। और हजरत अरसम जे जो हैं साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। तो हजरत अलकमा जो साहबजादे हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास के, उनकी पूरी सवाने है उमरी। और आखिर में आए हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पूरी सवाने है उमरी, अजबर होनी चाहिए। और इस हदीस की 500 सनदें हैं, मैंने बतलाया इस हदीस की 500 सनदें, वो 500 सनदें अजबर होनी चाहिए और हर रावी की पूरी सवाने है उमरी याद होनी चाहिए। कौन सा रावी अच्छा है और कौन सा रावी बुरा है, अच्छे रावी की अच्छाई को बयान करना तादील कहलाता है और बुरे रावी की बुराई को बयान करना जराह कहलाता है। तो जरहन व तादीलन, मतनन व सनदन, व जरहन व तादीलन, जिसको 100,000 हदीसें अजबर हों उसको कहेंगे हाफिजुल हदीस। और उससे ऊंची डिग्री है, जैसे मौलाना नीची डिग्री है और मुफ्ती साहब ऊंची डिग्री है। हर मौलाना मुफ्ती साहब नहीं होते, लेकिन हर मुफ्ती साहब मौलाना जरूर होते हैं। तो मौलाना नीची डिग्री है और मुफ्ती साहब ऊंची डिग्री है, हाफिज नीची डिग्री है और हुज्जा ऊंची डिग्री है। हुज्जा किसको कहते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ? मुहद्दिसीन के यहाँ हुज्जा उसको कहते हैं जिसको 300,000 हदीसें अजबर हों और मुंह पे हों। और कैसे हों? मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन, जिसको 300,000 हदीसें याद हों उसको कहते हैं। और सबसे ऊंची डिग्री, उसके बाद कोई डिग्री नहीं है। अरे सबसे ऊंची डिग्री, उसके बाद कोई डिग्री ही नहीं, और वो डिग्री है हाकिम। ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है हाकिम, कोई मरोली और नरोली का हाकिम मुराद नहीं है यहाँ हाकिम, और किसी शहर का भरूच का या सूरत का हाकिम मुराद नहीं है। अरे समझे, ये मुहद्दिसीन की एक इस्तिलाह है। अरे समझे, हाकिम, हाकिम किसको कहते हैं? आहा हा हा हा, हाकिम उसको कहते हैं जिसको पूरा ज़खीरे हदीस अजबर हो। हाकिम उसको कहते हैं जिसको पूरा ज़खीरे हदीस अजबर हो और मुंह पर हो, और मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन, मतन भी याद हो, सनद भी याद हो, हर रावी की पूरी सवाने है उमरी भी याद हो, कौन सा रावी अच्छा है वो भी अरे समझे मालूम हो, और कौन सा रावी कोई खेल है। ये बच्चियां सोच रही होंगी कि क्या ऐसा भी कोई शख्स गुजरा है कि जो इमाम बुखारी का भी बावा हो? इमाम बुखारी हाकिम नहीं है, इमाम बुखारी हाकिम नहीं है, पूरा ज़खीरे हदीस इमाम बुखारी की नज़र में नहीं है। और इमाम बुखारी को पूरा ज़खीरे हदीस कुरान करीम कहता है वफ़ौक कुल्लज़ी इल्मिन अलीम, दुनिया में हर एक का बावा पड़ा है, दुनिया में हर एक का बावा पड़ा है। इमाम बुखारी के भी एक बावा गुजरे हैं, बावा बोलते हो समझते हो, और समझे जो हैं, और समझे जो हैं, इमाम बुखारी से ऊंचा मकाम बाबा का मतलब है, अरे समझ, इमाम बुखारी से भी ऊंचा मकाम, इमाम बुखारी से भी ऊंचा मकाम एक शख्स का है, और उनका नाम है हाकिम अबू अब्दुल्लाह नेशापुरी। एक मौलाना साहब हैं, एक मुहद्दिस हैं, जिनका नाम है हाकिम अबू अब्दुल्ला नेशापुरी।
पूरा ज़खीरे हदीस अजबर था, पूरा ज़खीरे हदीस इन्हें अजबर था और मुंह पर था। मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन, पूरा ज़खीरे हदीस अर समझे जो है। आप सोचती होंगी बच्चियां कि अब ऐसे अफराद क्यों नहीं पैदा होते, अब कहत क्यों पड़ गया, हमें तो 10 हदीसें भी याद नहीं होती। मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन अर समझे जो, हमें तो 10 हदीसें भी साल भर पढ़ती हैं अर समझे, और 10 हदीसें भी जबानी याद नहीं होती। मतनन अगर याद हो जावे तो सनदन तो याद होती ही नहीं अर समझे, और जरहन और तादीलन कहाँ से याद होंगी। अरे जरहन और तादीलन कहाँ से याद होंगी, तो हमारे जहन इतने कमजोर क्यों हो गए। और अर समझे पहले जमाने के लोग अर समझे, और पहले जमाने के अर समझे जो है लोगों के जहन इतने तेज क्यों थे। उसका जवाब यह है कि उर्दू की एक कहावत है, उर्दू में कहते हैं जरूरत ईजाद की मां है। यह उर्दू की कहावत है, जरूरत ईजाद की मां है। गर्मी लगी तो यह गोल गोल अर समझे घूमने वाला पंखा वजूद में आया। अरे गर्मी लगी ये तो आरा समझे साइंसदानों ने सोचा कि कोई और गोल गोल घूमने वाला हो जो हवा देवे, तो ये पंखा वजूद में आया। तो जरूरत पड़ी आरा समझे, अंधेरा था, चिरागों में जिंदगी आरा समझे गुजारते थे, अब ये नया चिराग वजूद में आया आरा समझे जो है। तो उर्दू की कहावत है कि जरूरत ईजाद की माँ है। जब जरूरत होती है, अल्लाह को जब जरूरत थी और हदीसों की हिफाजत करनी थी, तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अफराद पैदा फरमाए कि आज दुनिया की अकलें दंग हैं कि क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है कि जिसको पूरा ज़खीरे हदीस अजमर हो। मतनन व सनदन व जरहन व तादीलन अर समझे जो अजमर हो अर समझे जो है, क्या ऐसा हो सकता है। उसका जवाब ये कि हो सकता है नहीं, हुआ है। अरे हो सकता है नहीं बल्कि हुआ है। और अर समझे ऐसे शख्स अर समझे गुजरे हैं और उनका नाम बतलाया मैंने, हाकिम अबू अब्द। ये हाकिम ये किसी शहर के हाकिम नहीं थे, बल्कि ये मुहद्दिसीन वाली इस्तेलाह है, हाकिम अबू अब्दुल्ला नेशापुरी। हाकिम अबू अब्दुल्ला नेशापुरी ने एक किताब लिखी है और उसका नाम है मुस्तदरक अल सहीहैन। ये बच्चियां याद रखें, यह हाकिम अबू अब्दुल्ला नेशापुरी ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मुस्तदरक अल सहीहैन। सहीहैन कहते हैं बुखारी और मुस्लिम को। बुखारी और मुस्लिम हदीस की दो किताबें हैं, इनको सहीहैन कहा जाता है। और मुस्तदरक का तर्जमा है छूटी हुई। मुस्तदरक का तर्जमा है अर समझे जो है छूटी हुई। मुस्तदरक अल सहीहैन का तर्जमा यह हुआ कि बुखारी की छूटी हुई हदीस हैं, जो बुखारी में आनी चाहिए थी लेकिन इमाम बुखारी की नजर नहीं गई उन हदीसों की तरफ। वो हाकिम ने किताब लिखी है और उसका नाम है मुस्तदरक। जो बुखारी का बाबा होगा वही तो बुखारी की छूटी हुई अर समझे हदीसों को लिख सकता है। तो हाकिम बाबा हैं अर समझे जो है, इमाम बुखारी से भी ऊंचा मकाम है हाकिम अबू अब्दुल्ला नेशापुरी का। और उन्होंने हदीस की किताब लिखी है और उसका नाम है मुस्तदरक अल सहीहैन। सहीहैन की अर समझे यानी बुखारी और मुस्लिम की छूटी हुई हदीस हैं। इमाम बुखारी ने जो मेयार कायम किया है कि मुझे इस कैटेगरी की हदीस हो तो लेनी है, उससे कम की हो तो नहीं लेनी है। तो मुस्तदरक अल सहीहैन में उन हदीसों को जमा किया है हाकिम अब्दुल्ला जो इमाम बुखारी के अर समझे मेयार के मुताबिक हैं अर समझे, उन हदीसों को अर समझे जमा किया है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब को लिखा है और बुखारी शरीफ को लिखा है इस तरह कि पहले खूब हदीसों को जांचा है और खूब परखा है
और जांचने और परखने के बाद जब किसी हदीस के बारे में इमाम बुखारी का जहन बनता कि यह हदीस सही है, बुखारी में आने के लायक है, बुखारी में लिखने के लायक है, जब यह जहन बनता तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुसल फरमाते। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर हदीस के लिखने से पहले, इमाम बुखारी ने गुसल किया है, हर हदीस के लिखने से पहले गुसल करते, दो रकात नमाज पढ़ते और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर इस्तिखारा करते। हर हदीस को लिखने से पहले बुखारी में गुसल करते, दो रकात नमाज पढ़ते और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर इस्तिखारा करते। और इस्तिखारे का तर्जमा है अल्लाह से मशवरा तलब करना। इस्तिखारे का तर्जमा है अल्लाह से मशवरा तलब करना। इमाम बुखारी अल्लाह से मशवरा तलब करते, इमाम बुखारी इस्तिखारा करते और अल्लाह से की तरफ रुजू होते कि ए परवरदिगार, मेरे पास जांचने के जितने तरीके थे मैंने सबको औरव समझ, मैं सबको बरूए कार लाया और मैंने जांचा और मेरी दानिश के एतबार से यह हदीस सही है, लेकिन आप मुझे अरसमझे बतलाएं कि मैं इसको बुखारी में लिखूं न लिखूं। अल्लाह से मशवरा तलब करते हैं कि इसको बुखारी में लिखूं न लिखूं। जब इमाम बुखारी को शरह सदर हो जाता और इत्मीनान हो जाता, एक बात याद रखें, इस्तिखारे में किसी ख्वाब का आना कोई ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं और हमारी माएँ और बहनें ये समझती हैं और समझिए कि इस्तिखारा करेंगे तो भाई जिब्राइल ख्वाब में आएंगे और भाई जिब्राइल ख्वाब में आकर के कहेंगे बेटी अरे समझिए ये काम कर ले, अरे समझिए जो है नहीं, अरे समझिए बात याद रखें, ख्वाब का आना अरे समझिए जो है। इमाम बुखारी को कोई ख्वाब नहीं आता था लेकिन दिल मुतमईन हो जाता था, इंशराह पैदा हो जाता था कि नहीं ये हदीस बुखारी में लिखने के काबिल है। तो फिर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अर समझे जें उस इतनी एहतियात के बाद हर हदीस बुखारी में लिखी गई। पहले फनी एतबार से जांचा गया है, परखा गया है और अर समझे जो है, फिर हर हदीस के बुखारी में लिखने से पहले गुसल किया है, दो रकात नमाज पढ़ी है और फिर उसके बाद इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में अगर इत्मीनान कल्बी होगा और इंशराह पैदा होगा तो अर समझे बुखारी में हदीस को लिखेंगे, वरना अर समझे जो है एक हदीस के लिखने में कितनी देर लगती थी, वैसे ही नहीं अर समझे फट से लिख दिया। इमाम बुखारी को बुखारी के लिखने में 16 साल लगे हैं। 16 साल में इमाम बुखारी ने ये मजमुआ तैयार किया है जिसको दुनिया पुकारती है असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह के नाम से। 16 साल लगे हैं बुखारी, क्यों? हर हदीस को जांचा है, परखा है और समझे इस्तिखारा किया है, तब कहीं जा करके 16 साल के अरसे में अर समझे जो है ये अर समझे मजमुआ अर समझे जो है तैयार हुआ है। अर समझे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमे गिरामी मोहम्मद है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमे गिरामी मोहम्मद है और वालिदे मोहतरम का नाम इस्माईल है और दादा का नाम इब्राहिम है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इस्मे गिरामी मोहम्मद है, वालिदे मोहतरम का नाम इमाम बुखारी का नाम नामी मोहम्मद है, वालिदे मोहतरम का नाम इस्माईल है और दादा का नाम इब्राहिम है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी सदी के खत्म पर पैदा हुए हैं।
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسری صدی کے ختم پر پیدا ہوئے ہیں. 13 شوال المکرم سن 194 ہجری, یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سن ولادت ہے. سن 194, 94 کے بعد 6 سال اور ڈال دیں تو 2 صدیاں پوری ہو جاتی ہیں. دوسری صدی کے پورا ہونے میں 6 سال باقی تھے, تو گویا یوں کہیے کہ بالکل دوسری صدی کا آخر تھا. 110 ہجری تک صحابہ تھے, 110 ہجری تک صحابہ تھے. آخری صحابی کا انتقال جو ہوا ہے سن 110 ہجری میں, حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو سن 110 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں دوسری صدی کے ختم پر, اور وہ ہے 13 شوال المکرم سن ہجری 194. 194 میں عرض سمجھے امام بخاری عرض سمجھے پیدا ہوئے, اور سن وفات ہے 256 ہجری. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سن وفات ہے, یعنی امام بخاری جو جوان ہوئے اور یہ کتاب جو لکھی عرب سمجھے جو ہے تیسری صدی کے آغاز میں لکھی, اور تیسری صدی کا جو نصف اول ہے یہ عرب سمجھے بخاری کی تصنیف کا زمانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 94 میں پیدا ہوئے تو تیسری صدی کے شروع ہونے تک امام بخاری کی عمر 6 سال کی ہے, اور 6 سال جب امام بخاری کی عمر ہوئی تو دوسری صدی پوری ہو گئی, اور تیسری صدی عرب سمجھے جو ہے شروع ہوئی. تو تیسری صدی کا شروع اور نصف اول یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن 256 ہجری میں عرب سمجھے جو ہے پیدا ہوئے, یہ وفات پائی ہے. سن وفات ہے سن 256 عرب سمجھے. امام بخاری نے عمر مبارک کتنی پائی؟ 62 سال میں 12 دن کم تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عرض سمجھے وفات پائی. حضرت امام بخاری پر آخر عمر میں بڑے حالات آئے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر آخر عمر میں بڑے حالات آئے ہیں, اور حاکم وقت جو تھا بخارا کا جو حاکم تھا وہ امام بخاری کا دشمن بن گیا تھا. جو حاکم وقت تھا وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دشمن بن گیا تھا. حاکم وقت کا نام تھا خالد بن احمد زحلی. یہ حاکم وقت کا نام ہے. کیا نام ہے بچیاں؟ خالد بن احمد زحلی. یہ حاکم بخارا تھا اور یہ حاکم وقت تھا. اس کے 2 لڑکے تھے. جو حاکم بخارا تھا خالد بن احمد زحلی, اس کے 2 لڑکے تھے. حاکم بخارا خالد بن احمد زحلی نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا. حاکم بخارا حاکم وقت نے امام بخاری کو اپنے دربار میں طلب کیا, اور اپنے دربار میں طلب کر کے امام بخاری کو مکلف بنایا حاکم بخارا نے کہ آپ کو بخاری شریف مجھے آپ کو بخاری شریف میرے دونوں بچوں کو پڑھانی ہے, اور میرے گھر آ کر کے پڑھانی ہے. میرے بچے سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بخاری شریف نہیں پڑھیں گے, بلکہ آپ کو میرے محل میں آ کر میرے گھر آ کر کے میرے بچوں کو بخاری شریف عرض سمجھے جو ہے پڑھانی. امام بخاری نے کہا قیامت کی صبح تک یہ نہیں ہو سکتا ہے. قیامت کی صبح تک عرب سمجھے جو ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے
तुम्हारे बेटों को और तेरे बेटों को अगर हदीस पढ़नी है तो सब बच्चों के साथ बैठ करके अरब समझे जो है पढ़ें तो पढ़ाऊंगा मैं, अरब समझे जो है तेरे घर आकर तेरे महल में तेरे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। साफ टका सा जवाब दे दिया हाकिम बुखारा को, हाकिम बुखारा दुश्मन बन गया। अरे हाकिम बुखारा दुश्मन बन गया। इमाम बुखारी की मकबूलियत इतनी थी कि हाकिम बुखारा इमाम बुखारी को बुखारा से निकाल देना चाहता था और शहर बदर करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। एक हंगामा और समझी जो है बर्पा हो जाएगा अगर हाकिम बुखारा इमाम बुखारी को बुखारा से निकाल दे। अगर हाकिम बुखारा इमाम बुखारी को अरब समझे जो निकाल दे तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने एक ऐसी तरकीब इख्तियार की, हाकिम बुखारा ने एक ऐसी तरकीब चली कि सांप भी मर जावे और लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जावे और लाठी भी न टूटे। कुछ ओलामा को खरीदा, हर दौर में किराए के ओलामा मिल जाते हैं, हर दौर में किराए के ओलामा मिल जाते हैं, हर दौर में बिकाऊ अर समझे जो है ओलामा अर समझे। ऐसे ओलामा को ओलामाए सू कहा जाता है, जो बिकाऊ होते हैं और चंद टकों की खातिर अपना जमीर बेच देते हैं, जो चंद टकों की खातिर अर समझे जो है अपना जमीर बेच देते हैं। हाकिम बुखारा खालिद इब्न अहमद जोहली ने कुछ ओलामा को खरीद लिया और उन उलमा को मुकल्लफ बनाया और उन उलमा को जिम्मेदारी दी कि तुम्हें इमाम बुखारी को अकीदे के एतबार से मुत्तहम करना है, तुम्हें इमाम बुखारी को अकीदे के एतबार से मुत्तहम करना है। ये मुत्तहम करने का मतलब ये है कि तुम्हें ये बात फैलानी है पूरे शहर में कि इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं, इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं। और कौन से मसले में? एक मसला है खल्क़े कुरान का, ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बच्चियां जानती हैं। एक मसला है खल्क़े कुरान का अरब समझे जो है, वो खल्क़े कुरान के मसले में उलमा ने अरब समझे इमाम बुखारी को अरब समझे मुत्तहम किया कि इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं। और जब पूरे बुखारा में बात मशहूर हो गई कि इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं, तो अब हाकिम बुखारा को चांस मिल गया और मौका मिल गया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारा से शहर बदर कर दिया और बुखारा से निकाल दिया। जब इमाम बुखारी को बुखारा से निकाल दिया तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे शहर में चले गए जिस शहर का नाम है बेकंद, छोटा काफ बेकंद। ये एक शहर है रूस में, समरकंद बुखारा जहां है वहीं एक शहर है, उस शहर का नाम था बेकंद। हजरत इमाम बुखारी को जब शहर बदर किया गया तो इमाम बुखारी बुखारा से निकल करके बेकंद चले गए। बेकंद चले जाने के बाद वहां का माहौल देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वहां का माहौल भी ठीक नहीं था। बेकन के जो मुसलमान थे वो दो खानों में बट गए, बेकन के जो मुसलमान थे दो खानों में बट गए। कुछ मुसलमान वो थे जो इमाम बुखारी की आमद से बहुत खुश थे, कुछ मुसलमान वो थे जो इमाम बुखारी की आमद से बहुत खुश थे, और कुछ वो थे मुसलमान जो बुखारा में ओलामाए सू ने जो प्रोपेगंडा किया था उस प्रोपेगंडे के शिकार हो गए थे और उन्होंने ये समझ लिया था कि इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं। और हाकिम बुखारा ने इसी बुनियाद पर निकाला था बुखारा से कि इनका अकीदा सही नहीं। तो कुछ मुसलमान वो थे जो ये चाहते थे कि इमाम बुखारी बराहे करम हमारे शहर में न रहें वरना हमारे शहर के माहौल को बिगाड़ेंगे और यहां के लोगों के अकीदे अरब समझे खराब करेंगे, इमाम बुखारी का अकीदा सही नहीं अरब समझे जो है। तो यहां के लोगों का अरब समझे
जब इमाम बुखारी ने ये माहौल देखा बेकन का, तो इमाम बुखारी ने फैसला किया कि ऐसी जगह ठहरना अर समझे मुनासिब नहीं, मेरी वजह से एक गिरोह को और एक जमात को तकलीफ पहुंच रही है मेरे यहाँ अर समझे ठहरने से, तो मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ फरमाई, हालात से तंग आ करके दुआ फरमाई, ए अल्लाह अब तू मुझे उठा ले, मेरे लिए ज़मीन तंग हो गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ज़मीन बावजूद वसअत के मेरे लिए अब तंग हो गई है, ए अल्लाह अब तू मुझे उठा ले। ये दुआ की इमाम बुखारी ने, और ये दुआ करके अपने ननिहाल आ गए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने ननिहाल आ गए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ननिहाल है खर तंग, एक बस्ती है, एक गांव है जिसका नाम है खर तंग। ये फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है खर तंग। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ननियाल है। हजरत इमाम बुखारी बेकन से सफर करके खर तंग आ गए, अपने ननियाल में आ गए, और ननियाल पहुंचती ही रमजान का महीना शुरू हो गया। खर तंग आती ही और अपने ननियाल में आती ही रमजान का महीना शुरू हो गया। समरकंद एक बहुत बड़ी सिटी है, और आज भी समरकंद है, बुखारा और समरकंद बोलते हैं, आज भी समरकंद अरसम जे सिटी है, बहुत बड़ी अरसम। समरकंद के उलमा सब मिलकर के आए इमाम बुखारी के पास खर तंग में आए, और उलमाए समरकंद ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी कि आप हमारे यहां आ जाएं, इंशाअल्लाह हमारे यहां कोई आपकी मुखालफत करने वाला नहीं है, सब आपके जानिसार हैं और सब आपके चाहने वाले हैं, सब आपके चाहने वाले हैं और सब आपके अरसमझे जो है जानिसार हैं, आप हमारे यहां आ जाएं। और समरकंद आने की उलमाए समरकंद ने समरकंद आने की इमाम बुखारी को दावत दी। हजरत इमाम बुखारी ने वादा कर लिया कि अभी तो रमजान चल रहा है, मैं रमजान में नहीं आऊंगा, रमजान खत्म होती ही इंशाअल्लाह मैं समरकंद आऊंगा। वादा कर लिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि रमजान खत्म होती ही इंशाअल्लाह मैं अर समझे समरकंद आऊंगा। वो लोग मुतमईन होकर के चले गए अर समझे। हजरत इमाम बुखारी अपने ननियाल ही में रहे और रमजान का महीना अर समझे गुजरता गया, और ईद का चांद नजर आ गया। रमजान पूरा हो गया, ईद का चांद नजर आ गया। ईद का चांद नजर आती ही फौरन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुद्दाम से कहा कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो, मुझे समरकंद जाना है, मैं वादा कर चुका हूं कि रमजान पूरा होती ही जो है मैं आऊंगा समरकंद अर समझे, इसलिए मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो। चुनाचे सवारी का इंतजाम किया गया। उस जमाने में जो भी सवारी थी ऊंट अर समझे जो है जो भी सवारी थी अर समझे सवारी का इंतजाम किया गया। सारा सामान जो था हजरत इमाम बुखारी का वो सवारी पर अर समझे जो है लाद दिया गया, रख दिया गया। हजरत इमाम बुखारी अपने घर से निकले, जहां कयाम था ननियाल में, वहां से निकले और सवारी के करीब तक आए, और सवारी के करीब तक आने के बाद इमाम बुखारी ने फरमाया आज कुछ तबीयत नासाज है। ये जुमले फरमाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या आज तबीयत कुछ नासाज है, अभी सफर नहीं करता हूं,
जरा ठहर जाता हूँ, तबीयत जरा ठीक हो जावे तो फिर समरकंद अरसम ये चला जाऊंगा। हालांकि पहले ही इरादा कर लिया था, लेकिन तबीयत की नासाजगी की वजह से अपने इरादे को मुलतवी कर दिया और वापस घर में तशरीफ ले आए। और ईद की रात में इमाम बुखारी की वफात हो गई। रमजान पूरा होती ही ईद की रात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खरतंग में वफात हो गई। इमाम बुखारी के जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की कि सवारियां कम पड़ गई। उस जमाने में जो सवारियां थी, लोग आना चाहते थे जनाजे में, लेकिन सवारियां ही खत्म हो गई थी। खर फारसी का लफ्ज है और फारसी में खर कहते हैं गधे को, ये फारसी का लफ्ज है। और फारसी में खर कहते हैं गधे को, और तंग हमारे यहां उर्दू भी बोलते, भी जगह तंग है अरब समझे जो है, तो तंग का मतलब न मिलना, खर तंग। गांव का नाम है खर तंग, अरब समझे जो है गधी मिल, अरसमझे जो है गधी नहीं मिलते थे उस जमाने में, गधी ही सवारी थी, गधे पर बैठ करके लोग अरसमझे जो है। तो इमाम बुखारी के ननियाल का नाम पहले से जो भी हो, इमाम बुखारी के वफात के दिन उस गांव का नाम मशहूर हो गया। क्या मशहूर हो गया? खरतंग। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक खरतंग में बनी हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक अरसम ये जो है खरतंग में अरसम ये बनी हुई। कितना टाइम हो? हाँ, 10-20 हुई। कितना? एक पाँच, एक 10 मिनट में ख़त्म कर दो। 5-10 मिनट में जो है मैं बात अरसम ये जो है ख़त्म करूँगा। अरसम ये तो किताब शुरू कराना है, असल तो इनकी मुअल्लिमाएं जो हैं वो अरसम ये जो है पढ़ाएंगी। अरसम ये दो बातें अरसम ये जो है, बल्कि एक ही बात अरसम ये कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ को शुरू किया है ईमान के बयान से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ को शुरू किया है ईमान के बयान से, और इमाम बुखारी ने बुखारी को ख़त्म किया है ईमान ही के बयान पर। ईमान के बयान से बुखारी शुरू हो रही है, किताबुल ईमान से बुखारी शुरू हो रही है, और किताबुत तौहीद पर, आखिरी किताब का नाम है किताबुत तौहीद। तौहीद और ईमान एक ही चीज है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी को शुरू किया है किताबुल ईमान से और ख़त्म भी किया है किताबुल ईमान पर। हमारी बच्चियां, इन्होंने अभी इबारत पढ़ी है बुखारी की, वो एक सवाल कर सकती हैं कि मौलाना किताबुल ईमान तो 3.5 सफ़े के बाद आ रहा है, 3.5 सफ़े के बाद आगे किताबुल ईमान आ रहा है, और ये जो शुरू के 3.5 सफ़े हैं इस पर तो बाब है, बाबुन कैफ कान बदुल वहय इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी का सबसे पहला बाब तो ये है, बाबुन कैफ कान बदुल वहय। हमारी बच्चियां इस बात को याद रखें कि पहला जो बाब है वो मकसूद नहीं है, पहला बाब तमहीदन लाया गया है। असल किताब जो शुरू होती है बुखारी शरीफ, जो असल शुरू होती है किताबुल ईमान से शुरू होती है। असल किताब अरसम ये जो शुरू होती है बुखारी शरीफ, जो असल शुरू होती है किताबुल ईमान से शुरू होती है। और ये जो सबसे पहला बाब लाया गया है, बाबुन कैफ कान बदुल वहय, ये तो तमहीदन लाया गया है। क्यों लाया गया है समझाऊंगा। ये मेरी बच्चियां जिन्होंने अभी बुखारी शरीफ की इबारत पढ़ी, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें अरब समझे जो है। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, सूरह फातिहा कौन से पारे में है ये बतलाएं। ये बच्चियाँ
जिन्होंने बुखारी शुरू की है। मैं इन बच्चियों से अरब समझे एक सवाल करता हूं कि बतलाओ सूरह फातिहा कौन से पारे में है। ये बच्चियां यही कहेंगी कि किसी पारे में नहीं है। पहला पारा शुरू होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, पहले पारे का नाम है अलिफ लाम मीम, और आखिरी पारे का नाम है अम्मा यतसालून अरब समझे, और आखिरी पारा ख़त्म होता है सूरह नास पर, और पहला पारा शुरू होता है बतलाओ सूरह फातिहा कौन से पारे में। सूरह फातिहा किसी पारे का जुज नहीं है, बल्कि सूरह फातिहा पूरे कुरान की तमहीद है। सूरह फातिहा पूरे कुरान की तमहीद है। अगर सूरह फातिहा किसी पारे का जुज होता तो वो एक पारे की फकत तमहीद हो जाती। अगर सूरह फातिहा किसी पारे का जुज होता तो वो फकत एक पारे की तमहीद हो जाती, और सूरह फातिहा किसी पारे की तमहीद नहीं है, बल्कि सूरह फातिहा पूरे कुरान की और समझे तमहीद है। इसलिए सूरह फातिहा किसी पारे का ये है तमहीद। मैं तमहीद को समझाता हूँ कि सूरह फातिहा किसी पारे का जुज नहीं है, बल्कि सूरह फातिहा पूरे कुरान की तमहीद है। ये बच्चियाँ हैं, इन बच्चियों ने फिकह की किताबें बहुत पढ़ी होंगी। हमारे यहाँ मदारिस में जो फिकह की किताबें पढ़ाई जाती हैं, सबसे पहली किताब जो पढ़ाई जाती है वो मकतब में पढ़ाई जाती है तालीमुल इस्लाम। ये फिकह की किताब है, मसले मसाइल की किताब है, तो सबसे पहले जो किताब पढ़ाई जाती है तालीमुल इस्लाम पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद फारसी बच्चियां शुरू करती हैं, और मालाबुद्द मिनहु और समझे जो है ये किताब है, ये पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद नूरुल हिसाब पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद कुदूरी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद कंस पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद शरे वकाया पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद फन की बुखारी हिदाया पढ़ाई जाती है। हिदाया फन फिकह की बुखारी है। हर फन की जो बड़ी किताब होगी वो बुखारी कहलाएगी। इसको बुखारी क्यों कहते हैं? भाई भाई ये हदीस की या समझे फन हदीस की सबसे बड़ी किताब है, तो हर फन की जो बड़ी किताब है उसको बुखारी कह सकते हैं मजाजन। हिदाया को कह सकते हैं कि हिदाया फन फिकह की बुखारी है, फन फिकह की बुखारी है। और बुखारी का मतलब है कि फन की सबसे बड़ी किताब। ये इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। कुदूरी कहाँ से शुरू हुई थी? ये बच्चियाँ ये कहेंगी कि कुदूरी शुरू हुई थी किताब तहारत से। कुदूरी शुरू होती है किताब तहारत से, कंस शुरू होती है किताब तहारत से, शरह वकाया शुरू होती है किताब तहारत से, और हिदाया शुरू होती है किताब तहारत से। मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम्हारा जवाब सही नहीं। फिकह की जितनी किताबें हैं सब किताब सलात से शुरू होती हैं, नमाज के बयान से शुरू होती हैं। फिकह की जितनी किताबें हैं, चाहे हिदाया हो, चाहे कंज हो, चाहे शरे वकाया हो, चाहे कुदूरी हो, ये फिकह की सारी किताबें जो हैं नमाज के बयान से शुरू होती हैं, किताब सलात से अर समझे शुरू होती हैं। रहा ये मसला कि अर समझे जो है सबसे पहले किताब तहारत क्यों लाए? हर मुसलमान जानता है कि तहारत नमाज के शराइत में से है। हर मुसलमान जानता है कि तहारत क्या है। बोलो, तहारत नमाज के शराइत में से, तो नमाज के एक शर्त का बयान किताब तहारत में, नमाज की एक शर्त, और नमाज की शर्त का बयान गोया नमाज ही का बयान है। नमाज की शर्त का बयान गोया नमाज ही का बयान है, लिहाजा किताब तहारत में नमाज ही का बयान है, और किताब तहारत को तमहीदन लाया गया है, वरना असल किताब शुरू होती है किताब सलात से, नमाज के बयान से। हमारी बच्चियां समझें कि बुखारी शुरू होती है किताबुल ईमान से, और ये जो पहला बाब लाया गया है, ये पहला बाब एक फिरका है, उस फिरके की तर्दीद के लिए लाया गया है। एक फिरका है, अब तो उस फिरके का कोई वजूद नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में एक फिरका था, और ख़ुद नबी पाक सल्लम ने इस फिरके की निशानदही की थी, और इस फिरके का नाम है अहले कुरान।
एक फिरका है, आज नहीं है, पहले था, बहुत पहले, दूसरी सदी में। अरे दूसरी सदी में, इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से ये फिरका था, और उस फिरके का नाम है अहले कुरान। अहले कुरान का मतलब ये है कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, हदीस वदीस क्या होती है हम नहीं जानते, हदीस वदीस क्या होती है। हदीस पाक की हुज्जियत का इनकार करते हैं, कुरान को हुज्जत मानते हैं, और उनका नारा है मा वजदना फी किताबिल्लाही इत्तबानाहू। और ये जुमले जो मैं बोल रहा हूं, मा वजदना फी किताबिल्लाही इत्तबानाहू, ये जुमले मिश्का शरीफ में आए हैं, और मिश्का शरीफ पढ़ी है बच्चियों ने, और उसमें आरा समझे जो है ये अल्फाज आए हैं। ये अहले कुरान का नारा है, मा वजदना फी किताबिल्लाही इत्तबानाहू। अल्लाह की किताब में हम जिस चीज को पाएंगे उसको लेंगे। रही हदीसें, हदीसें हुज्जत नहीं, हदीसें दीन का माखज नहीं। दीन जो अख्ज़ किया जाएगा फकत कुरान से किया जाएगा, दीन जो अख्ज़ किया जाएगा फकत कुरान से किया जाएगा। हदीस दीन का माखज नहीं, हदीस हुज्जत शरी नहीं। हजरत इमाम बुखारी उनके गाल पर तमाचा रसीद करना चाहते हैं पहले बाब के जरिए से, और बाब है बाब उन कैफ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लम। और इस बाब के जरिए से इमाम बुखारी ने यह बतलाया है कि हदीसें भी दीन का माखज हैं, और हदीस भी हुज्जत है, जैसे कुरान हुज्जत है ऐसी हदीस भी हुज्जत है। तो पहला बाब जो लाया गया है वो तो अहले कुरान की तर्दीद के लिए लाया गया है। तो एक फिरका है और एक फिरका था अहले कुरान, और समझे जो है बड़ा प्यारा नाम रखते हैं ये जो फिरके बातिला जो है, ये फिरके बातिला बड़ा प्यारा नाम रखते हैं, अहले कुरान उन्होंने अपना नाम रखा। अच्छा तुम अहले कुरान में से हो तो क्या हम अहले रामायण में से हैं? अरे तुम अहले कुरान में से हैं तो हम क्या अरे समझे अहले रामायण में से हैं? क्या हम महाभारत को मानते हैं? महाभारत हिंदुओं की मजहबी किताब है, महाभारत हिंदुओं की, तो क्या हम अहले रामायण और अहले महाभारत में से? तुम अहले कुरान हो तो हम किस में से हैं अरे समझे? नहीं, ये फिरके बातिला अरे समझ मुझे सब। एक दूसरा फिरका है जो इन्हीं का छोटा भाई है, ये अहले कुरान ये बड़े भाई हैं, और इन्हीं का अरब समझे जो है एक छोटे भाई हैं जो जिन्होंने अपना नाम रखा है अहले हदीस। अरे इन्होंने अपना नाम रखा है अरब समझे जो है अहले हदीस, अरब समझे जो है वो अहले कुरान है, ये अहले हदीस हैं। अहले कुरान सिर्फ कुरान को हुज्जत मानते हैं, कुरान से नीचे किसी चीज को हुज्जत नहीं मानते, और कुरान से नीचे किसी चीज को दीन का माखज नहीं मानते। और ये जो अहले हदीस हैं वो दो चीज़ों को हुज्जत मानते हैं, एक कुरान और एक हदीस। इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानते, हालांकि इन बच्चियों ने उसूल शाशी में पढ़ा है कि अदिल्ला अरबा पढ़े हैं, किताबुल्ला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमाए उम्मत और कयास अरा समझे जो है। लेकिन अहले हदीस फकत दो चीज़ों को मानते हैं, कुरान और एक हदीस को अरा समझे। एक बात सुन लें, हम अहले हदीस नहीं हैं, हम अहलु सुन्ना हैं। हम अहले हदीस नहीं हैं, हम अहलु सुन्ना हैं। और अहले हदीस अब वक्त बहुत हो गया है, वरना मैं हदीस में और सुन्नत में फ़र्क समझाता, मैं हदीस में और सुन्नत में अरे समझे फ़र्क समझाता अरे समझे जो है, लेकिन अब टाइम नहीं है अरे समझे जो है, इसलिए अरे समझे जो है बस इसी पर इत्तिफा करता हूं कि हम अहले हदीस नहीं। हम हर हदीस पर अमल नहीं करते, हम उन हदीसों पर अमल करते हैं कि जो हदीसें मनसूख नहीं हुई, जो हदीसें मामूल बेहा हैं उन्हीं हदीसों पर हम अमल करते हैं, हम हर हदीस पर। और ये जो है अरा समझे जो है गधे अहले हदीस, ये हर हदीस पर अमल करते हैं, नौशादियां करते हैं। अरे नौशादियां करते हैं भाई क्यों? क्योंकि नबी पाक ने नौशादियां की हदीस है,
हदीस है, नबी पाक ने 9 शादियां की हैं और समझे जो है, तो वो चूंकि अहले हदीस हैं इसलिए आरा समझे उनके यहाँ आरा समझे 9 शादियां जायज हैं, हमारे यहाँ 9 शादियां जायज नहीं, हमारे यहाँ 4 से ज्यादा शादियां जायज। बहरहाल बात इस पर ख़त्म करता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब शुरू फरमाई है ईमान के बयान से और किताब को ख़त्म फरमाया है ईमान ही के बयान पर, और दरमियान में आमाल का तस्किरा किया है, दरमियान में आमाल का तस्किरा, और दोनों सिरों पर ईमान का अरसम जे तस्किरा किया है। और इमाम बुखारी ने इशारा दिया है कि जो आदमी अज इब्तिदा ता इंतहा ईमान पर कायम रहे और दरमियान जिंदगी में आमाल सालेहा करता रहे तो नजात के लिए इतनी बात काफ़ी है। जो आदमी शुरू से लेकर, बुखारी शुरू होती है किताबुल ईमान से और बुखारी ख़त्म होती है किताबुत तौहीद पर, और दरमियान में आमाल सालेहा का तस्किरा है, तो जो आदमी इब्तिदा से इंतहा तक ईमान पर कायम रहे और दरमियान ज़िंदगी में आमाल सालेहा करता रहे तो नजात के लिए इतनी बात अरसमझे जो है काफ़ी है। बस ये चंद अरसमझे जो हैं इब्तदाई बातें बतलाई अरसमझे बच्चियों को, वरना तो मेरे यहाँ इब्तदाई बातें 15 दिन तक चलती हैं, 15 दिन तक, बुखारी के शुरू में भी 15 दिन तक अरसमझे, और तिरमिजी भी पढ़ाता हूँ अरसमझे 15 दिन तक चलती हैं। और ये कोई 15 दिन चलाने की बात नहीं, ये तो घंटे भर की बात थी, आरा समझे इफ्तिताह मैंने करा दिया। आरा समझे जो हैं अब ये अपनी मुअल्लिमाओं से और अपनी आरा समझे उस्तादनियों से इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह इन बच्चियों के इल्म में भी आरा समझे जो है खूब खूब बरकत अता फरमाए, और उनकी आरा समझे जो है जो उस्तादनियाँ हैं जो पढ़ाएंगी अल्लाह उनके उलूम में भी आरा समझे जो है बरकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला आरा समझे इस मजलिस को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चियों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा दे मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु वलकल शुक्रु कुल्लु वलकल मजदु कुल्लु व इलैका यरजुल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका अंत कमा अस्नैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक वलकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक वलकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिदाक वलकल हम्दु हम्दन इंदा कुल्ल तरफति अईन وتنفس كل نفس اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له ويا زخر من لا زخر له يا حرد الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وزوء النهار وخفيق الشجر ودوي الماء يا الله أنت الله لا شريك لك أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے مولا کریم تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اے مولا کریم عرب سمجھے ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھے اپنی مخلوق سے، تجھے اپنی عرب سمجھے بندوں سے پیار ہے، اے اللہ تو ہماری نالائقیوں کو مت دیکھ، اے اللہ تو اپنے عفو کرم کو دیکھ، اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ، تیری عرسم مغفرت کا واسطہ، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا کریم یہ بچیاں جنہوں نے عرسم جو ہے پہلا سبق پڑھا ہے بخاری شریف کا، اے اللہ عرسم ان کے لیے کتاب کو آسان فرما دے، اے اللہ کتاب کو پورا کرنا ان کے لیے سمجھے آسان فرما دے، اے اللہ ان بچیوں کی زندگی میں دین اور سمجھے آ جائے، اے اللہ غیب سے ایسے فیصلے فرمائیے، اے مولا کریم اور سمجھے جو ہے انہیں دین پر قائم رکھ اور دائم رکھ، اے اللہ ان کی نسلوں میں اور ان کے اور سمجھے گھروں میں دین باقی رہے، غیب سے اس کے فیصلے فرمائیے، اے مولا کریم اس مجلس کو قبول فرمائیں، اے اللہ تیرے نبی کے کلام کی نسبت پر عرض سمجھیے مجلس عرض سمجھیے منعقد ہوئی ہے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عرض سمجھیے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.